हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं कॉमर्स की पाठशाला में। और जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं मीनिंग ऑफ मल्टीमीडिया के बारे में, कि मल्टीमीडिया क्या होती है और क्या क्या इसके फायदे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये लेक्चर होने वाला है, इस लेक्चर को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। उससे पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को यहाँ पर आकर के सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है इसको दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे। इसके अलावा मैं बोलना चाहूंगा कि जब भी आप स्टडी करें तो आप हमारे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आए। यहाँ पे आपको नीचे की तरफ अगर आप जाएंगे तो आपको इग्नू बीकॉम न्यू आपको शो करेगा, एक सेक्शन है। इस सेक्शन के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर सारी की सारी प्लेलिस्ट आपको दिख जाएंगे, जिसके अंदर ढेरों वीडियोज हैं जिनको देख करके आप अपने एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ जो की है मल्टीमीडिया। नाउ मल्टीमीडिया क्या होता है? सो मल्टीमीडिया इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, यहाँ मैंने लिख करके रखा हुआ, मल्टीमीडिया इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक्स, साउंड, एनिमेशन एंड वीडियो, इंटरैक्टिव इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मींस ऑफ हैंडलिंग डिलीवर्ड टू द यूजर, है ना। सो मल्टीमीडिया नाम से पता चल रहा है कि मल्टीपल मीडिया। मीडिया क्या है? मीडिया है टेक्स्ट, मीडिया है ग्राफिक्स, मीडिया है वीडियो, मीडिया है एनिमेशन। ये जो चीजें हैं, जो मीडिया है, इसको मल्टीपल मीडिया के माध्यम से, मल्टीपल चीजों के माध्यम से आप अपने कम्युनिकेशन को करते हो, आप अपने यू नो इलेक्ट्रॉनिकली अपने चीजों को एक तरीके से डिलीवर करते हो, इलेक्ट्रॉनिकली चीजों को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाते हो। तो मल्टीमीडिया जो है एक तरीके से हेल्प करता है आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके का इस्तेमाल करके यू नो चीजों को करने में। ठीक है, मल्टीमीडिया एलिमेंट्स इंक्लूड टेक्स्ट, वीडियो, साउंड, ग्राफिक्स एंड एनिमेशन। मल्टीमीडिया में ये सारी की सारी चीजें आ जाएंगी। द एडवांटेजेस ऑफ लर्निंग अबाउट एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया इज टू प्रमोट वर्क फ्रॉम होम कल्चर, सो दैट मोस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ यू डोंट नीड टू बी इन स्टीरियोटाइप जॉब बट ग्रूम योर नॉलेज स्किल एज अ फ्रीलांसर, है ना। तो यहाँ पे मल्टीमीडिया लोगों को सिखाने का मतलब ये है, एनिमेशन या फिर मल्टीमीडिया लोगों को सिखाने का मतलब ये है कि वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर है उसको एक तरीके से बढ़ाया जा सके, ताकि एक व्यक्ति को जो स्टीरियोटाइपिकल जॉब होता है कि 9 to 5 जॉब करना है, है ना, इस तरीके से जॉब आपको ना करना पड़े, आप ऐसे फ्रीलांसर भी काम को जो है घर पे बैठे आप कर सको, है ना। तो मल्टीमीडिया सिखाने का वन ऑफ द यू नो इम्पोर्टेंट ये एक एडवांटेज है, या फिर आप बोलेंगे वन कैन अर्न फ्रॉम एनीवेयर इवन बीइंग फ्रॉम देयर होम। एक व्यक्ति जो है कहीं से भी कमा सकता है, चाहे वो घर पे ही क्यों ना हो। एंड मोस्ट ऑफ इट जॉब्स आर रिलेटेड टू फिल्म्स एंड म्यूजिक इंडस्ट्रीज, और जो भी इनके काम होते हैं, जो भी इनके काम होते हैं वो सारी की सारी चीजें फिल्म या फिर म्यूजिक इंडस्ट्रीज से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो मल्टीमीडिया क्या होता है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मीडिया में बहुत तरह की चीजें आती है, जैसे मैंने आपको बताया था, एनिमेशन है, वीडियो है, मूवीज है, ग्राफिक डिजाइन है, ये सारी की सारी चीजें डिफरेंट डिफरेंट मीडियाज हैं। अब इन सबको जब एक साथ हम कंबाइन कर देते हैं तो मल्टीपल मल्टीमीडिया कहलाने लगता है। ये मल्टीपल मीडिया है ना, मल्टीपल मीडिया का आप इस्तेमाल करते हो फॉर डूइंग वेरियस ऑफ थिंग्स, तो ये हम कहेंगे मल्टीमीडिया। तो मल्टीमीडिया आई होप एक समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं इसके एडवांटेजेस के बारे में, कि मल्टीमीडिया के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। इसको मैं थोड़ा सा सबसे पहले हाईलाइट कर लेता हूँ पॉइंट्स को, फिर एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये आखिरी पॉइंट है, चलिए फिर शुरू करते हैं एडवांटेज ऑफ मल्टीमीडिया। सबसे पहला एडवांटेज है कि ये यूजर फ्रेंडली होता है, चीजें जो है आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगी, यूजर फ्रेंडली है चीजें जो है आपको, लाइक आप देखोगे, आप समझोगे उस चीज को, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी, आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। बहुत सारे ग्राफिक डिजाइनिंग के माध्यम से डिफरेंट मनी, जैसे कि मैं आपको अभी एक वीडियो बनाकर के शो कर रहा हूँ, तो ये एक मीडिया है, राइट, एक मल्टीपल मीडिया। यहाँ पे देखो मैं टेक्स्ट भी कर रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ और वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ा भी रहा हूँ। तो देखो इसके लिए मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं कि मुझे आपको पर्सनली जाकर के पढ़ाना होगा, किसी रूम में बैठ करके पढ़ाना होगा, राइट। मैं अपने घर में बैठे हुए इन वीडियोज को तैयार करके मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, राइट। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ मल्टीमीडिया। और ये जो चीजें हैं, ये जो वीडियो में बना हुई है, यूजर फ्रेंडली है, आपको समझ में आ जाएंगी, आपके लैंग्वेज में है, बहुत ही आसानी से आप समझ जाओगे, है ना। तो मल्टीमीडिया का सबसे पहला जो एडवांटेज है वो है यूजर फ्रेंडली। सो इट डज नॉट नीड द नंबर ऑफ एनर्जी यूजर्स इन दिस सेंस, वन कैन सिट डाउन टू वॉच द डेमो, वन कैन रीड द टेक्स्ट एंड हेयर द साउंड, है ना। यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती है, बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली ये होता है। आप यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको अपना एनर्जी इस्तेमाल नहीं करना होगा, यहाँ पे इस तरीके से बोला जा रहा है कि आप किसी एक जगह पे बैठ करके आप डेमो देख सकते हो, आप चीजों को पढ़ सकते हो और टेक्स्ट आप सुन सकते हो साउंड को,
है ना, आपको कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे एफर्ट लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इट कैन बी यूज्ड फॉर डाइवर्सिफाई डाइवर्सिटी ऑफ ऑडियंस रेंजिंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन पर्सन टू द एंटायर ग्रुप। अब ये जो है जो यूजर फ्रेंडली है, यहाँ पे एक तरीके से यहाँ पे डाइवर्सिटी की बात की जा रही है, जो डाइवर्सिटी है ऑडियंसेज में कि किसी ऑडियंस को ये देखना पसंद है, किसी ऑडियंस को वो देखना पसंद है, तो उसके अकॉर्डिंग आप चीजों को तैयार कर सकते हो, यूजर के अकॉर्डिंग आप चीजों को तैयार कर सकते हो, यूजर फ्रेंडली आप चीजों को तैयार कर सकते हो। और ये वेरी करता है कि एक पर्सन का क्या क्या चीजें उसको चाहिए, ग्रुप को क्या चीजें चाहिए, या फिर डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स को क्या चीजें चाहिए, उनके नीड के अकॉर्डिंग जो है आप चीजों को तैयार कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मल्टीमीडिया। ठीक है, मल्टी सेंसरी, इट यूजेस द सेंसेस ऑफ मेनी यूजर्स। अब ये जो है डिफरेंट डिफरेंट लोगों के सेंसेस को इस्तेमाल करता है, व्हाइल द यूज ऑफ मल्टीमीडिया सच एज हियरिंग सीज एंड टॉक, है ना। मल्टीमीडिया में देखो आप क्या क्या चीजें इस्तेमाल कर रहे हो, आप एक तरीके से सुनने की जो उनकी कैपेबिलिटी है आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो, आप यहाँ पे देख रहे हो, आप यहाँ पे बातें कर रहे हो, यहाँ पे मल्टी सेंसरी होता है। जैसे कि जब मैं सपोज प्रैक्टिकली आपको पढ़ा रहा हूँ किसी एक जगह पे, तो वहां पे जनरली क्या होगा कि जो आपका सेंसर है वो एक ही किस्म का सेंसर काम करेगा, ठीक है देखो यहाँ पे इस तरीके से काम हो रहा है। लेकिन मल्टीमीडिया जो होता है ये मल्टी सेंसरी होता है, यहाँ पे आप देख भी रहे होते हो, बात भी कर रहे होते हो, सुन भी रहे होते हो एट द सेम टाइम, है ना। ठीक है, मल्टी सेंसरी हो जाता है। इट कैन बी यूज फॉर अ वेरिएबिलिटी ऑफ ऑडियंसेस रेंजिंग फ्रॉम वन पर्सन टू द एंटायर ग्रुप, फिर से वही लाइन को बोला गया है। तो उसका इस्तेमाल जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट ऑडियंसेस के लिए हो सकता है, किसी एक व्यक्ति के लिए भी हो सकता है और पूरे के पूरे एंटायर ग्रुप के लिए भी हो सकता है। कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटरक्टिव थ्रू डिफरेंट मीडिया इन द प्रोसेस ऑफ डिजिटल इंटीग्रेशन, है ना। द पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरक्शन ईजी फीडबैक इज ग्रेटली इंक्रीज, है ना, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मीडिया प्लेटफॉर्म जो कि डिजिटल इंटीग्रेशन के प्रोसेस से पॉसिबल हो पाया है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लोगों तक इसका बेनिफिट पहुंच रहा है, उनको जो है आप उनसे फीडबैक ले रहे हो कि उनको कैसा लग रहा है, उनको कैसा चीजें चाहिए या फिर किस तरह की चीजें वो देखना चाहते हैं, है ना, ये सारी चीजें आपको वहाँ पे मिलती हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होता है, चीजों को बहुत ही कंप्लीट वे में आप चीजों को समझा पाते हो, और जो आपका इंटरेक्शन है वो भी बहुत अच्छा होता है क्योंकि आप फीडबैक भी लेते हो अपने ऑडियंसेस के साथ कि उनको कैसा लग रहा है। इट इज ऑल्सो वेरी फ्लेक्सीबल एंड कैन इजिली बी चेंज टू अडेप्ट टू डिफरेंट सिचुएशंस, है ना जी। सो इट इज वेरी फ्लेक्सीबल, ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सीबल होता है और इसको आप बहुत ही आसानी से अडेप्ट कर सकते हो। अगर आपको कुछ बदलाव करने की जरूरत है तो वो भी आप यहाँ पे बदलाव कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड ऑडियंसेस, है ना, जो भी बदलाव करने की आपको आवश्यकता है आप वो भी यहाँ पे कर सकते हो। डीपर सिंपैथेटिक मल्टीमीडिया लर्निंग टेक्स द माइलेज ऑफ ब्रेन्स एप्टीट्यूड टू मेक कनेक्शंस बिटवीन वर्बल एंड विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंटेंट लीडिंग टू अ डीपर थॉटफुल व्हिच इन टर्न सपोर्ट्स द ट्रांसफर ऑफ लर्निंग टू द अदर सिचुएशंस। डीपर सिंपैथेटिक डेफिनेटली यहाँ पे जब आप कोई चीजें तैयार कर रहे हो, जैसे कि देखो मैंने ये सारी चीजें पहले पढ़ी हुई है ना, लेकिन मैं ये सारी चीजें जब आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरा जो नॉलेज है वो और ज्यादा निखर रहा है। मैं जब आपको पढ़ा रहा हूँ तो वो चीजें और मुझे अच्छी तरीके से समझ में आ रही हैं। तो वही बात यहाँ पे बोली जा रही है ना, कि सबसे बड़ा एडवांटेज जो होता है मल्टीमीडिया लर्निंग का वो ये होता है कि जो आप कनेक्शन तैयार करते हो अपने वर्बल और विजुअल रिप्रेजेंटेशन का, उसके माध्यम से जो कंटेंट आप तैयार कर रहे हो ना, उसके कारण से जो आपका जो नॉलेज है, जो आपका थॉटफुलनेस है, वो धीरे धीरे और ज्यादा ग्रो करता है और बढ़ता है ना। और आप अपने नॉलेज को एक जगह ही नहीं जबकि बल्कि अलग अलग जगहों पर उसके इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि हम सुनते हैं ना, आपने हमेशा सुना होगा कि एक जो आप पढ़ रहे हो उसका प्रैक्टिकल इस्तेमाल है, जो भी आप चीजें पढ़ रहे हो उसका वो चीजें प्रैक्टिकली हमारे समाज में हो रही है, तभी हम उन चीजों को पढ़ रहे हैं। बट हमें समटाइम्स ऐसा लगता है ना कि ये पर्टिकुलर सिचुएशन में ही इसका इस्तेमाल होता है, हर सिचुएशन में नहीं होता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। तकरीबन हर एक सिचुएशन में, हर एक कंडीशन में आपको चीजें जो है मिलती हुई नजर आएंगी। कोई एक सिचुएशन में अगर आपको ये चीज समझ में आ रही है, कुछ एक इस थ्योरी का आप इस्तेमाल कर रहे हो, दूसरे किसी सिचुएशन में भी आपको सेम थ्योरी का आप इस्तेमाल कर पाओगे जब आपका नॉलेज इनहेंस्ड हो जाएगा, है ना। तो ऐसा होता है। सो ऑल ऑफ दीज इंपॉर्टेंट इन टूडेज 21st सेंचुरी क्लासरूम्स एज इट प्रिपेयर्स स्टूडेंट्स फॉर अ फ्यूचर विद हाई लेवल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कॉन्क्रीट एंड कॉन्सर्टेड स्किल्स, है ना। तो अभी के टाइम पे जो डीपर सिंपैथेटिक ये जो पॉइंट बताए गए बहुत ही एक तरीके से इंपॉर्टेंट है 21st सेंचुरी के क्लासरूम में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी हायर लेवल थिंकिंग जो है वो बढ़े, और वो तभी हो पाएगी जब आप डिफरेंट मल्टीमीडिया चैनल्स का इस्तेमाल करेंगे। आप अगर सिर्फ ब्लैक बोर्ड पर स्टडी कर रहे हैं तो चीजें आपको समझ में तो आ जाएंगी, बट आप चीजों को दोबारा नहीं कर पाएंगे। मल्टीमीडिया में फायदा है कि आप चीजों को बार बार आप देख सकते हो, राइट। और जब आप चीजों को विजुअली देखते हो, प्रैक्टिकली बनते हुए देखते हो, तो वो चीजें आपको ज्यादा समझ में आती हैं, है ना। तो अभी के टाइम पे, अभी का जो क्लासरूम है उसके अकॉर्डिंग जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो प्रॉब्लम है, फिर कॉन्क्रीट स्किल्स जो है वो लोगों में तैयार हुई है बिकॉज ऑफ दिस मल्टीमीडिया, राइट। इम्प्रूव प्रॉब्लम सॉल्विंग,
लार्ज फंक्शन अ लार्ज फ्रैक्शन ऑफ द ह्यूमन ब्रेन डेडिकेट इटसेल्फ टू द विजुअल प्रोसेसिंग। ठीक है, हमारे जो दिमाग है, हमारे दिमाग का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है विजुअल प्रोसेसिंग के ऊपर बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है। हम जब चीजों को कुछ सुनते हैं या पढ़ते हैं तो तुरंत हम उसको इमेजिन कर लेते हैं, विजुअली हम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि अच्छा ऐसा होता होगा। जैसे कि मैं जब आपको एप्पल बोलूंगा तो आपके दिमाग में देखना एक पिक्चर बनेगा कि अच्छा एप्पल इस तरीके का होता है ना। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है ये यहाँ पे इम्प्रूव हो जाती है विद द हेल्प ऑफ मल्टीमीडिया। ये बात यहाँ पे समझाने की कोशिश की जा रही है। दस यूजिंग इमेजेस वीडियो एंड ऑटोमेशन अलॉन्ग साइड द टेस्ट स्टिमुलस द ब्रेन, है ना। तो जब आप टेक्स्ट के साथ साथ जब आप इमेजेस का, वीडियोस का, एनिमेशंस का इस्तेमाल करते हो तो आपका जो दिमाग है वो बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। वो स्टिमुलेट्स कर पाता है अपने ब्रेन के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को, डिफरेंट डिफरेंट चीजों को आप इंटीग्रेट कर पाते हो, आप चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाते हो, है ना। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी जो है बहुत ही ज्यादा इंप्रूव्ड हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ मल्टीमीडिया। स्टूडेंट कंसिडरेशन एंड रिटेंशन इंक्रीज, आपका जो स्टूडेंट का कंसिडरेशन है, जो उनका रिटेंशन है वो बढ़ जाएगा। अंडर दीज सर्कमस्टांसेस इन मल्टीमीडिया लर्निंग एनवायरनमेंट स्टूडेंट्स कैन आइडेंटिफाई एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स मोर इजली कंपेयर टू द सिनेरियो वेयर टीचिंग इज मेड पॉसिबल ओनली बाय टेक्स्ट बुक्स। यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी भी मल्टीमीडिया के सिचुएशन में, मल्टीमीडिया के एनवायरनमेंट पे, जो लर्निंग एनवायरनमेंट है, इसमें आप प्रॉब्लम्स को बहुत ही आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो और उसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे चीजें जो है आप सिर्फ टेक्स्ट में देख नहीं रहे हो बल्कि आप प्रैक्टिकली उन चीजों को देख रहे हो कि किस तरीके से वो क्रिएट हो रहा है। आप चीजों को वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश कर रहे हो तो आप अपने प्रॉब्लम को ठीक तरीके से आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, है ना। और प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने से आप सॉल्यूशन भी बना लोगे, राइट। ये भी पॉसिबिलिटी होती है। समटाइम्स हमारा दिमाग इससे भी काम नहीं कर पाता क्योंकि हम पढ़ तो ले रहे हैं लेकिन हम प्रॉब्लम को समझ नहीं पा रहे हैं कि उसमें बोला क्या जा रहा है, राइट। तो ये दिक्कत जो है हमें देखने को मिलती है। तो इम्प्रूव प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाती है जब भी आप ये चीज करेंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। एक्सेस टू अ वास्ट वैरायटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, हाँ, तो मल्टीमीडिया के माध्यम से जो आपका इन्फॉर्मेशन का एक्सेस है वो बहुत ही वास्ट हो जाएगा। बहुत ज्यादा चीजों को एक तरीके से एट अ टाइम आप समझ पाओगे, देख पाओगे, राइट। तो ये बेनिफिट्स आपको यहाँ पे मिलेंगी। सो विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स, विद कंप्यूटर्स, टैबलेट्स, स्मार्टफोन्स एंड द इंटरनेट, स्टूडेंट्स आर टुडे बेटर इक्विप्ड देन एवर टू सर्च एंड फाइंड द इंफॉर्मेशन दे नीड, है ना। तो अभी के टाइम पे जिस तरीके से कंप्यूटर, टैबलेट, स्मार्टफोन्स का या फिर इंटरनेट का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसके कारण से स्टूडेंट अभी के टाइम पे बहुत ही ज्यादा इक्विप्ड है। उनको बुक्स, उनको नोटबुक्स, उनको किसी चीज की आवश्यकता नहीं। उनके पास अगर फोन हो और अगर उनको सही तरीके से बता दिया जाए इस तरीके से जो है चीजें काम करती हैं तो उनको किसी चीज की आवश्यकता है ही नहीं। वो घर बैठे अपनी सारी की सारी चीजों को बहुत ही आसानी से कर लेंगे, है ना। और उनके लिए ये चीजें जो है बहुत ही आसानी से उपलब्ध है, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन उपलब्ध है, उनको हर एक तरह की जानकारी जो है अभी के टाइम पे इंटरनेट पर अवेलेबल है। सो विद द हेल्प ऑफ दीज यू नो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस दे कैन इनहेंस देयर नॉलेज, है ना, बहुत ही आसानी से। तो दीज आर द पॉइंट, दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ मल्टीमीडिया। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। बाय बाय। थैंक यू।